वेलकम फ्रेंड्स, खाते रहो में आज हम बनाएंगे सत्तू के पराठे। गर्मियों के मौसम में ये बहुत ही अच्छे होते हैं। सत्तू पेट को बहुत ठंडा करता है और इजीली अवेलेबल भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो फिलिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बोल में एक कटोरी सत्तू डाल दीजिए। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो आप रोस्टेड ग्राम फ्लावर को पीस लीजिए और आपका सत्तू घर में रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें डालना है 3 से 4 कलियां लहसुन की महीन कटी हुई। अजवाइन के कुछ दाने, कलौंजी आधा चम्मच, भुना पिसा जीरा आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पत्ती, एक नींबू आधा हमें स्क्वीज करना है। ये देखिए, इससे थोड़ा खट्टापन आ जाता है। और जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पर वो है, कोई भी अचार अगर आपके पास हो तो आप उसका थोड़ा तेल डालिए, ठीक है, थोड़ा मसाला या उसका तेल। उससे एक चटपटा फ्लेवर आता है और सत्तू में एक अच्छी बाइंडिंग भी आती है। तो मैं यहाँ पर मिर्च और आम का, मेरे पास मिक्स मसाला है अचार का, वो मैंने इसको यूज़ किया है, और थोड़ा सा सरसों का तेल, आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम, एक सौंधी खुशबू के लिए। बस आपको इन सबको मिक्स करना है अच्छे से और आपका फिलिंग रेडी है। तो ये हमारी मिक्स करने के बाद सत्तू की फिलिंग देखिए रेडी है और आप इसको ऐसे भर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली या रेड चिली मिला सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने मिर्च का मसाला लिया है तो मैंने नहीं डाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टफ्ड पराठे का कवर या कह लीजिए उसका आटा बनाने के लिए। ये जो स्टफिंग है ये तो हमने रेडी कर ली है, और आटे का जो मैं रेसिपी बता रही हूँ, या किसी भी स्टफ्ड आटे में स्टफ पराठा बना रहे तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो एक कटोरी आटे में आप कुछ 2 से 3 चम्मच घी डालिए। घी डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और जो मुलायम होता है वो बहुत ज़्यादा मुलायम, और थोड़ा सा नमक, और इसको मिक्स करिए और फिर धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करते करते हमें इसका आटा बनाना है। आटा बहुत टाइट नहीं होना है, आटा थोड़ा सा लूज ही रहेगा ताकि हमारी स्टफिंग इसमें अच्छे से आ जाए और हमारे पराठे फटे ना। अब इसमें ऐसे धीरे धीरे आप पानी ऐड करते जाइए और अपना आटा गूंथ जाएगा। देखिए बाइंडिंग शुरू हो गई है। तो ये देखिए हमारा आटा गूंथ गया है, देखिए सॉफ्ट है। और अब हम इसको, इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और इसके पराठे बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपने आटे से एक छोटी सी बोल लेते हैं और उसको इस कटोरी शेप में करते हैं। अगर आपको कटोरी शेप में करना नहीं आता तो आप चाहें तो इसको बेल कर इतना बड़ा कर सकते हैं, और फिर इसमें हम फिलिंग भरेंगे। ये जो हमने सत्तू की फिलिंग बनाई है इसको आप लेंगे और ऐसे इसमें फिल कर लेंगे। ये देखिए, और इसको फिर सब बंद करेंगे। ये रेडी है। इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे थोड़ा सा बर्तन, और अपने चकले पे इसको स्लोली आप ऐसे प्रेस करें तो इवनली स्प्रेड हो जाता है जो हमारी फिलिंग है, और इसको धीरे धीरे बेल लीजिए। कोई भी स्टफ पराठा आप ऐसे बना सकते हैं, बस आपका जो आटा होना चाहिए वो थोड़ा गीला होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। और ये हमारा पराठा बेल गया है, तो इसको सेक लेते हैं। तो पराठों को सेकने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा ऑयल लगाइए अपने तवे पे, इससे आपका जो पराठा है वो कभी चिपकेगा नहीं, और इस पराठे को आप तवे पे डालिए।
और आपको इसको थोड़ी देर तवे में रहना है, इसको फिर पलटना है और दूसरे साइड भी आपको ऑयल लगाना है। आप चाहें तो देसी घी यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी रिफाइंड ऑयल। ये देखिए हमने इसको पलट दिया है और अब इस साइड से हम इसमें ऑयल लगाएंगे। चलिए इसको पलट देते हैं और इस साइड भी हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे या घी, और इसको ऐसे दबाइए तो इससे पराठा अच्छे से सिक जाएगा और कुरकुरा हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ हमारा ये पराठा सिक गया है दोनों ही साइड से। ये देखिए अब आप इसको निकाल कर प्लेट कर लीजिए। तो रेडी है यहाँ पर सत्तू के पराठे, जो कि यूपी, बिहार और राजस्थान की स्टेपल फूड है। आप सब अपने घर में इसको जरूर बनाइए, गर्मियों के मौसम में पेट को काफी ठंडा देते हैं, और अपना फीडबैक जरूर दें। तब तक के लिए बाय बाय।